अंदर नहीं हो पाएंगे तुम जगह चेंज करो। गेट खोल लो महाराष्ट्र
आपण कोऑपरेट करा ना, या मागे ना हा ना हे हे लोक स्वतः हे करणार आणि सगळ्यांची वो तो किया लेकिन जो फोटोग्राफर है वो क्या बोला बाहर खड़ा किया था बराबर ही था सी खयाम साहब सबकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत शायद प्रभाव दिया, जिनसे भी मिले हैं वो, पर मेरी पहली फिल्म त्रिशूल का म्यूज़िक उन्होंने दिया था, नूरी का म्यूज़िक उन्होंने दिया था, उसके बाद दर्द का बहुत मेमोरेबल म्यूज़िक था, तो काम तो किया ही है साथ में, तो उससे वो एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि मैं 15 साल की थी जब उनसे पहली बार मिली थी, तो बहुत हमेशा प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट किया है, अभी भी जब भी मिलते थे हमेशा सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, और बहुत मतलब प्यार से भरे हुए इंसान थे। संगीत तो सारी दुनिया उनके संगीत के बारे में बात करेगी, क्योंकि उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेलेडी के बादशाह, ही इज़ अ किंग ऑफ मेलेडी, बट मेरे लिए तो उन्होंने एक यादगार नूरी का गाना दिया है, जो कभी भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो लोग आ जा रे का गाना बजाते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बट मुझे लगता है इंसान को जाना होता है और वो ज़्यादा सफरिंग के बगैर गए, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, और अपना नाम अमर करके गए हैं उनके काम के ज़रिए। उनकी फैमिली ऑफकोर्स जगजीत जी के लिए बहुत होती है, कंसर्न होती है कि वो हाउ विल शी कोप अप अलोन, बिकॉज आई डोंट थिंक उन्होंने कभी कुछ भी अकेले किया, हमेशा खयाम साहब और जगजीत जी साथ में होते थे, दे वर लाइक अ वेरी वेरी क्लोज कपल, सो गॉड गिव हर स्ट्रेंथ ऑल्सो टू बेयर द लॉस, एंड इंडस्ट्री उनकी म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर है जो उन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी है, और कल रात को भी हम यहाँ थे तो सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कल ही पहुँचे थे। रिस्पेक्ट टू हिम, लॉट्स ऑफ आई थिंक इज्जत और शोहरत उनकी फैमिली को दी है, तो गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
उन्होंने ये साबित किया कि मकबूल होने के लिए, मौसीकी की खिदमत करने के लिए आपको वेस्टर्न म्यूज़िक की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। नौशाद साहब की तरह उन्होंने जो धुनें बनाई हैं, उन्होंने जो फिल्मों में अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि खय्याम साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने शोहरत के साथ साथ इज्जत बहुत कमाई। उनका हमेशा इज्जत से नाम लिया गया उनके काम की वजह से, और जो उन्होंने फिल्में की हैं ब्लैक एंड वाइट, फुटपाथ की उन्होंने, और उन्होंने मोहब्बत इसको कहते हैं कि उसके बाद कलर के दौर में भी आपने बहुत मकबूल फिल्में दी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो गाना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, वो चले तो गए हैं लेकिन उनका काम, उनके गाने, उनकी धुनें जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उनकी धुनें हमारे कानों में रस घोलती रहेंगी। भले आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है वो लाफानी है, वो काम अमर है। जब तक ये दुनिया कायम है, उनका काम कायम है, उनका जादू कायम है, उनका जादू जो है हमेशा उसने सर चढ़कर बोला है और हमेशा बोलता रहे। चलो यार पीछे चलो। हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है,
नजरिया मिलने के बाद भी इतना बाइक में ही मेरे कैसा रोल रखा बन।